हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्रॉब्लम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से। ठीक, ये एक बीम है जो कि इस पॉइंट पे ये फिक्स है और एक लोड लगा हुआ है। पॉइंट लोड 4 किलोन्यूटन का 3 मीटर मिडल में लगा हुआ है, ये यहाँ से हिंज है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ये फार्मूला होता है मोमेंट निकालने का, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से मोमेंट निकालने का एम ए बी फार्मूला होता है। बहुत ही सिंपल होता है, किसी भी पॉइंट में ए बी मोमेंट निकलेगा और बी ए मोमेंट निकलेगा। तो एम ए बी निकालना है तो सबसे पहले फार्मूला बहुत सिंपल है, एम ए बी निकालना है तो एम एफ ए बी हो जाएगा। ठीक, सिंपल, प्लस 2EI/L, और थी ए पहले है तो 2θ है प्लस बी, यहाँ देखिए बी पहले है तो 2θ b प्लस ए, ये सिंपल सा फार्मूला है। तो हमें क्या करना रहेगा, ये पता करना है हमें, बस और कुछ नहीं। इसके बाद यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन से करके, इक्विटी विडियम इक्वेशन लगा के, कंडीशन लगा के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, एम एफ ए बी, ठीक, एम एफ ए बी। अब देखिए लोड मिडिल में लग रहा है तो फार्मूला मैंने क्या बताया था, WL/8। तो देखिए करिए, W4 × L क्या है, 3 3 6/8, ठीक है ना, माइनस में रहेगा ये। ये कितना हो गया, 4 2, ये हो गया 3 किलो न्यूटन मीटर, ये माइनस 3 किलो न्यूटन मीटर आ गया। और इसी तरह एम एफ बी ए निकाल लेंगे लिख के, तो वो भी आ जाएगा मगर वो प्लस में आएगा, प्लस 3 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना, ये दो आ गया हमारे, इसमें काम खत्म। एम ए बी निकाल लीजिए, अब एम ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम एफ ए बी, एम एफ ए बी मैंने क्या निकाला, माइनस 3 प्लस 2EI/L क्या है, L L 3 है, 6 है, सॉरी 6 है, 6 रखी है यहाँ पे, प्लस 2। देखिए दोस्तों, हमेशा फिक्स जहाँ पे रहेगा वहाँ पे स्लोप जीरो होगा, ये थीटा जीरो होगा वहाँ पे। तो देखिए 2θ है, थीटा है, ये होगा ये ऐसे, तो यहाँ पे थीटा ये जीरो होता है, ठीक है ना, तो ये जीरो रखिए, प्लस थीटा भी यहाँ हिंज है, हिंज भी थीटा कुछ ना कुछ स्लोप होगा, तो थीटा भी ऐसे रख दीजिए एज इट इज। देखिए एम बी ए निकालेंगे, एम बी ए, ठीक, तो एम एफ बी ए, एम एफ बी ए प्लस 3 है, 3 रख दीजिए, प्लस 2EI/6 ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2θb, 2θb और थीटा ए जीरो हो जाएगा जैसे था, ठीक है ना। अब इक्वेशन है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, सॉरी ये हो गया। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पे कैसे बनेगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखिए या तो कोई पॉइंट है उस पे जितना मूवमेंट आ रहा है सब जीरो होगा, मगर यहाँ पे सिर्फ दोनों तरफ का मूवमेंट जीरो होता है, मगर यहाँ पे देखिए हिंज पे हमेशा मूवमेंट जीरो होगा, यह आपको पता रहना चाहिए, हिंज पे हमेशा मूवमेंट जीरो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिंज है ये देखिए, तो एम बी ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि हिंज है। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ कोई आगे कंटिन्यूस बीम ऐसे चलती आगे, यहाँ पे कुछ हिंज होता तो हम क्या करते, एम एम बी ए, एम बी ए यहाँ मान लीजिए सी पॉइंट होता तो एम सी बी प्लस एम सी बी इज इक्वल टू जीरो करते, ठीक है ना दोस्तों, ये ऐसे करते, मगर यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है ये ही है, तो यहाँ पे हिंज का जीरो कर दीजिए, ठीक है ना। तो एम बी ए जीरो करना है तो मतलब ये इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू रखिए, 3 प्लस 2EI/6 × 2θ, 2θ कर दीजिए, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो करिए इसको, ये प्लस, ये इधर माइनस में इधर जाएगा 3, माइनस में हो जाएगा, तो ये 2EI/6 2θ इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो ये इसको सॉल्व करिए, EI θ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 6 / 2 2 4, तो क्या कितना आ जाएगा, ये हम कैसे से सॉल्व करके देखते हैं, 6 × 3 / 4, 4.5 आ रहा है, ये 4.5 आ रहा है, ये EI θb का वैल्यू आ गया। अब EI θb आया है जो, इसके थ्रू हम MAP निकाल लेंगे और MBA
बीए निकाल लेंगे, गेट इट? ओके, तो एम ए बी इज इक्वल टू -3 प्लस, इसको देखिए करिए मल्टीप्लाई, ये जीरो है इसका, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टू ई आई थीटा बी, ई आई थीटा बी बाई 6, यही होगा ना, तो इसमें -3 प्लस 2 इंटू ई आई थीटा बी, ई आई ये थीटा बी ही है, ये थीटा बी है, सॉरी ये थीटा बी कर लीजिएगा क्योंकि मैंने इसको किया है यहाँ पे थीटा बी, ठीक, तो थीटा बी यहाँ पे ई आई थीटा बी ये 4.5, 4.5 बाई 6, इसको सॉल्व करिए आप, 4.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, आंसर -3, ये आ गया माइनस में 1.5। इसी तरह इसका करेंगे, एम बी ए निकालेंगे, एम बी ए निकालेंगे तो क्या था, ये देखिए इसमें +3, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 ei थीटा b बाई 6। अब रखिए वैल्यू 3 प्लस 4 इंटू ई आई थीटा बी वैल्यू 4.5 बाई 6, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 4.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, ये आ गया 6। तो दोस्तों देखिए हम लोग को ये आ गया, ये 6 किलोन्यूटन, यूनिट जरूर रखिएगा, किलोन्यूटन मीटर होती है मोमेंट की यूनिट, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, मेन जो एम होता है फिक्स, इससे एम ए बी मोमेंट भी निकाल, मोमेंट निकालना जो इससे निकाला जाता है मोमेंट, वो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। डब्ल्यू एल बाई 4 होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम का फार्मूला होता है डब्ल्यू एल बाई 8 4, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये हम लोग को फॉर्म दिया हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है देखिए, पॉइंट लोड लगाया, पॉइंट लोड लगा रहेगा तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो एम बी ए एम ए बी आया, ये बीम है, ये हमारा पॉइंट, ये देखिए ये बीम बना लिया मैंने, ये पॉइंट सी था मेरा, यहाँ पे लोड लगा हुआ था 4 किलोन्यूटन का, ये क्वेश्चन में देखिए ये मैंने बना लिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब एम 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 ए बी, ए बी कितना था हमारा, एम ए बी कितना था, अभी हमने निकाला ए बी -1.5, तो इसको माइनस प्लस का नहीं देखेंगे, सिर्फ ऊपरी बनाएंगे, 1.5 की तरह ऐसे ही अंदाज से ही 1.5 बना दीजिए, और बी ए 6 था तो ये और ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ये 6 हो जाएगा, तो इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक। अब इसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है, ठीक होता है, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है डब्ल्यू एल बाई 4 होता है, कब होगा ये, जब हमारा ये लोड जो लगा रहेगा वो मिडिल में लगा रहेगा और सेम डिस्टेंस में लगा रहेगा, मिडिल में लगा रहेगा और ये पॉइंट लोड रहेगा, तब ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होता है, ये आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जब आप रिएक्शन निकालेंगे वो करेंगे तो ये मैक्सिमम सेक्शन एज्यूम करके ये निकाला जाता है, तो ये फार्मूला आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। तो इससे आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू क्या था हमारा 4 किलोन्यूटन, डिस्टेंस पूरी 6 थी बाई 4, ये कट जाएगा 6 किलोन्यूटन मीटर, तो ये 6 किलोन्यूटन मीटर का एक बना दीजिए ऐसे, अब पॉइंट लोड है तो जान ही रहे हैं आप, ये इस टाइप का कुछ बनेगा, मैक्सिमम ये यहाँ पर रहेगा, जहाँ लोड रखता है वहाँ पर ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा, ये 6 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है ना। ये ऐसे आप, ये ऐसे बन गया, और इसके बाद जो कॉमन सेक्शन है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बस दैट्स इट, इतना ही करना है, आगे फिर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा इसके ऊपर, अलग प्रॉब्लम दूसरी करूँ।